हेलो दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता, स्वागत करता हूं आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कॉशीज इनइक्वालिटी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये इसका स्टेटमेंट है और ये है कॉशीज इनइक्वालिटी, जिसको हमें प्रूव करना है। पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। लेट फंक्शन बी एनालिटिक इन डोमेन डी एंड लेट डी कंटेन द इंटीरियर एंड द बाउंड्री ऑफ द सर्किल लैम्डा डिफाइंड बाय जेड माइनस जेड जीरो मोड इज इक्वल टू रो इफ मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम ऑन लैम्डा देन। ये हमें प्रूव करना है। थोड़ा सा पढ़ने में आपको अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन बहुत ईजी प्रूव है, आराम से हम लोग करेंगे। एक एक लाइन ध्यान से देखें। अब इसको करने के लिए पहले तो आप ये देखो कि ये क्या है। ये है एफ जेड का एन बार डिफरेंशिएशन जेड जीरो पॉइंट रख करके। तो एन बार डिफरेंशिएशन हम लोग कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूले के एक्सटेंशन में पढ़ते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, क्योंकि वहीं से कनेक्शन दिख रहा है हमें, वो हमने निकाला भी है फॉर्मूला। तो देखिए, सबसे पहले तो थ्योरम कोई भी आप लिखो तो हमेशा स्टार्ट किया करो गिवन से, कि हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें क्या क्या गिवन है इसमें, देखिए। एक तो गिवन है ये सर्किल जो उसके डोमेन में आ रहा है और जिस पर और जिसके अंदर ये एनालिटिक भी है, ठीक है। तो एक तो सर्किल आप लिखोगे कि z माइनस जेड जीरो का जो मॉड है वो इक्वल में रो है, और सेकंड आपको लिखना है कि ये जो फंक्शन का मॉड है ऑन लैम्डा, ऑन लैम्डा मतलब सर्किल पे, वो लेस देन इक्वल टू m है। मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू m आएगी, m या m से कम ही आएगी इसका मॉड। तो एफ जेड का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू एम हमारे एक काम की चीज और है, ठीक है। ये दो काम की चीज है गिवन में। अब टू प्रूफ तो यही है, तो मैं वापस लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधा प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, प्रूफ में सबसे पहले आप लिखोगे कि यूजिंग एक्सटेंशन ऑफ कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला। देखिए, ये कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला होता है nth डेरिवेटिव के लिए, ये हमने सीखा हुआ है। a पॉइंट पर होता है, लेकिन ये हमें फिलहाल z0 पॉइंट पे चाहिए सेम चीज। तो मैं यहां पर a की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं z0 पूरी लाइन में। तो ये बनेगा हमारा f n z0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की होल पावर एन प्लस वन डी जेड। हमारे पास दो ही जगह था, एक यहाँ था और एक यहाँ था, ये दोनों जगह हमने जेड जीरो रख दिया, बाकी सब एज इट इज है, ठीक है। लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली इसका मॉड चाहिए, इसलिए मैं पूरी लाइन के मॉड लगा रहा हूँ। देखिए, इस लाइन से यहाँ से अगर इस पूरी लाइन के मैग्नीट्यूड ले रहे हो, मॉड ले रहे हो, तो ये बनेगा f की पावर n z0 का मॉड इज इक्वल टू इस पूरी टर्म का मॉड, पूरी टर्म का मॉड मतलब फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन क्लोज्ड कंटूर f ऑफ z अपॉन z माइनस a की पावर n प्लस 1 डी जेड का ओवरऑल मॉड। मॉड में आपने एक प्रॉपर्टी सीखी होगी कि भाई z1 इंटू z2 दो का प्रोडक्ट का मॉड इक्वल आता है उनके इंडिविजुअल मॉड के प्रोडक्ट के, मतलब मॉड मल्टीप्लाई में सेपरेट किया जा सकता है। इवन मल्टीप्लाई में ही नहीं, आगे हमारे काम आएगा कि मॉड को डिवाइड में भी सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, दोनों के अलग अलग दे सकते हैं। मल्टीप्लाई में भी अलग अलग दे दो, डिवाइड में भी अलग दे दो, दोनों ही हमारे काम के हैं। देखो यहां पर कैसे काम आएगा, ये रहा मल्टीप्लाई, तो इसके अलग मॉड आ जाएगा, इस इंटीग्रेशन वाले पोर्शन के अलग मोड आ जाएगा। तो ये बनेगा हमारे पास एफ एन जेड जीरो मोड इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन टू पाई आयोटा के मोड और इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल पावर एन प्लस वन डी जेड के होल मोड। मैंने गलती से यहां ए लिख दिया है, ये एक्चुअली जेड जीरो है यहां भी, ठीक है। अब देखिए,
ये तो हो गया मल्टीप्लाई में सेपरेट। अब बात है यहाँ पर कि मॉड और डिवाइड में भी सेपरेट हो जाता है। तो जब आप इसको सेपरेट करोगे तो फैक्टोरियल एन रियल नंबर है, उसके मॉड का कोई मतलब नहीं है, रियल नंबर का मॉड सेम ही आता है, तो इसका मॉड फैक्टोरियल एन ही आएगा। 2π का मॉड भी सेम ही आएगा, 2π भी रियल नंबर है। मेन बात हमें करनी है आयोटा का मॉड क्या आएगा, पहली बात तो ये। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ पहले तो। अब बात करते हैं आयोटा का मॉड कितना आना चाहिए। तो आयोटा का जो मॉड आएगा वो देखो, आयोटा होता है 0+1 आयोटा एक्चुअली, और इसका मॉड निकालोगे तो 0² + 1² का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 1। तो आयोटा का मॉड तो 1 हो गया। यहां तक बात समझ में आई, इस तरफ का तो पोर्शन खत्म, इधर की बात करें। अब इधर क्या है कि मॉड इंटीग्रेशन के अंदर ले जाएंगे तभी सेपरेट सबके मॉड लगाया जा सकता है, उससे पहले तो सबके मॉड लग नहीं सकता। और इंटीग्रेशन के अंदर मॉड ले जाने का क्या रूल होता है, देखो मैं अलग से बता रहा हूं आपको, फिर अप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में आराम से अप्लाई करेंगे। तो अलग से जो रूल होता है इसका ये है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की होल पावर जो एन प्लस 1 है डी जेड। अगर ये बाहर मॉड है और हम इसको अंदर लिखना चाहते हैं इंटीग्रेशन के, सिर्फ इंटीग्रेशन के साइन के अंदर अगर हम लोग मॉड लाना चाहते हैं तो फिर इक्वल का साइन नहीं आता है उस केस में, ये दोनों इक्वल नहीं होते, इनइक्वालिटी का साइन आता है, फिर लेस देन इक्वल टू आता है। अब क्यों आता है इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूं। देखो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, आराम से आपको समझ में आएगा। आपको अगर याद हो तो हमारे पास इनइक्वालिटी होती है z1 + z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 + मॉड ऑफ z2, या फिर आप एक और 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए लिख सकते हो, z1 z2 z3 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 + मॉड ऑफ z2 + मॉड ऑफ z3। अब यहां पे ध्यान से देखो, आप इंटीग्रेशन एक्चुअली ऐड करना ही होता है। इंटीग्रेशन का जो बेसिक मीनिंग है ना, अगर आप एकदम बेसिक में जाओ तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, और ऐड का मतलब है कि सिग्मा या प्लस साइन लगाना डिस्क्रीट फॉर्मेट में, अगर उसको समझे तो इंटीग्रेशन डिस्क्रीट फॉर्मेट में एक्चुअल में सिग्मा ही है। तो आप यहां पर देखोगे अगर, तो ये सिग्मा जेड है जिसके बाहर मॉड है, और जब हमने इंडिविजुअली मॉड दिया अंदर तो इनइक्वालिटी आ गई। आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि अगर इसी चीज को सिग्मा के फॉर्म में लिखूं तो मॉड तो लगा हुआ ही है। अब मैं इसको लिखूंगा सिग्मा जेड, क्योंकि ये सब का जेड का प्लस हो रहा है, सिग्मा जेड एन लिखूंगा, जहां पर एन इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक है। आप समझो इसको, जेड एन का मतलब है z1, z2, z3 और फिर सिग्मा, तो z1 + z2 + z3 और बाहर ओवरऑल मॉड है। अब लेस देन इक्वल टू, इसी को सिग्मा के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहो तो आप लिखोगे जेड एन का मॉड के सिग्मा लगा रहे हैं हम एन इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक। आप देखो ध्यान से, मॉड z1 फिर सिग्मा मतलब प्लस मॉड z2 + मॉड z3, तो अल्टीमेटली रिजल्ट है कि ये अगर सिग्मा के अंदर या इंटीग्रेशन के अंदर मॉड जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन आता है, इक्वल नहीं लग सकते आप, सिंपल में अंदर नहीं ले सकते उसको। तो अब ये चीज और ये चीज इस इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं और फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए मैं इसको पूरे को हटा रहा हूं और केवल इस इक्वेशन को रख करके कंटिन्यू कर रहा हूं, ये रिजल्ट आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहां मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी थी यहां पर वो लिख दी है। अब इसके आगे बढ़े तो मॉड हमें सेपरेट करना था, तो फैक्टोरियल एन के मॉड अलग हो जाएगा, 2 के मॉड अलग है, पाई के अलग है, आयोटा के अलग है, और ये मॉड जब अंदर जाएगा, अगर इस मॉड को हम अंदर लेते हैं तो ये इक्वल की जगह इनइक्वालिटी में बदल जाएगा। तो ये मॉड मैं अंदर ले रहा हूं और ये बनेगा देखो इंटीग्रेशन सी, अब मॉड एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की होल पावर एन प्लस 1 और डी जेड का मॉड, ये हमने इंटीग्रेशन के अंदर मॉड ले लिया, इसलिए इनइक्वालिटी लगी है। तो फर्स्ट और लास्ट को कनेक्ट करते हुए लिख रहा हूं मैं, ये बनेगा हमारा एफ की पावर एन जेड जीरो मॉड इज लेस देन इक्वल टू वो टर्म
फैक्टोरियल एन के मॉड का कोई सेंस नहीं है, वो फैक्टोरियल एन ही आएगा। टू और पाई का भी मॉड सेम ही रहेगा। आयोटा का मॉड हमने डिस्कस किया भी थोड़ी देर पहले, वन आता है। इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, देखिए मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों केसेस में मॉड सेपरेट हो जाता है, तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में भी है और ये डिवाइड में भी है, तो मॉड ये यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे, तो ये मॉड यहाँ पर लग जाएगा, z माइनस z जीरो की होल पावर n प्लस वन के मॉड अलग से लगेगा और डी जेड के मॉड अलग से लगेगा। एक और मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि मॉड पावर के पावर वाले सेक्शन के अंदर भी जा सकता है, मतलब ये मॉड यहाँ भी आ सकता है, सेम आंसर आता है। जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड में सेपरेट होता है वैसे पावर में भी हो जाता है, तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज करके नेक्स्ट लाइन हम लिख रहे हैं, ये बनेगा फैक्टोरियल एन अपॉन टू पाई और इधर आ जाएगा एफ ऑफ जेड का मॉड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो के मॉड की होल पावर एन प्लस वन और डी जेड का मॉड, और ये क्लोज्ड कंटूर सी इक्वेशन नंबर आप इसको टू लो। अब यहां तक हम पहुंच गए हैं, इसके आगे कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा डायरेक्ट, अब हम यूज लेंगे जो हमें गिवन था, गिवन वाले का अभी तक यूज नहीं लिया हमने। तो क्या गिवन था हमें, सबसे पहली चीज तो हमें ये गिवन थी कि z माइनस जेड जीरो का जो मॉड है ना वो रो के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन था, तो इसका यूज ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड रो के इक्वल है, देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये z माइनस जेड जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा फॉर्मेट में, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख ही सकते हो आप। आर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड फिलहाल के लिए रो दिया हुआ है, तो मैं इस आर को हटा रहा हूं और यहां पर रो लिख रहा हूं, ठीक है। तो जेड माइनस जेड जीरो की वैल्यू ये हो गई, ये क्यों निकाला है, क्योंकि हमें डी जेड चाहिए, एक तो हमें जेड माइनस जेड जीरो का मॉड चाहिए वो तो यहां से डायरेक्ट मिल जाएगा, एक हमें डी जेड का मॉड चाहिए तो डी जेड यहां से मिलेगा डिफरेंशिएशन करने पर, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जेड का तो डी जेड हो जाएगा, z0 का 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, z0 तो फिक्स्ड पॉइंट है कोई, रो कांस्टेंट है, रेडियस है और ये मल्टीप्लाई में है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर आयोटा थीटा एज इट इज, फिर आयोटा थीटा का आयोटा d थीटा, ठीक है। इससे भी काम नहीं बनेगा, इसका मॉड लेना है, मॉड लेना है तो मॉड ऑफ dz इक्वल आएगा रो आयोटा ए की पावर आयोटा थीटा डी थीटा का मॉड, ये बनेगा हमारा डी जेड का मॉड इज इक्वल टू, सेपरेट हो जाएगा मॉड, मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई में सेपरेट हो जाता है, ये प्रॉपर्टी बार बार काम आ रही है यहां पर। अब देखिए यहां पर रो का मॉड का कोई सेंस नहीं है, कांस्टेंट है, रियल नंबर है तो रो ही रहेगा, आयोटा का मॉड हमने डिस्कस किया है वन होता है, ठीक है। मेन इसका डिस्कस करना है, e की पावर आयोटा थीटा का मॉड क्या होता है, तो इसका डिस्कस करने के लिए मैं यहां पर अलग से कर रहा हूं, e की पावर आयोटा थीटा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, बहुत फेमस फॉर्मूला है। अब हम इसका मॉड ले रहे हैं, तो e की पावर आयोटा थीटा का अगर मॉड लोगे तो यह आएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का मॉड, और मॉड कैसे लिया जाता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल अंडर रूट विच इज इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो गया, तो इसकी जगह अल्टीमेटली वन लिखा जाएगा, और डी थीटा के मॉड का भी कोई सेंस नहीं है, ये भी रियल नंबर है तो ये भी डी थीटा ही रहेगा, तो अल्टीमेटली ये आया रो डी थीटा। तो हमें एक तो इस वैल्यू से मतलब है, एक हमें इस वैल्यू से मतलब है, ठीक है। तो यहां पर भी रख देंगे, यहां पर भी रख देंगे, इसका क्या करें, इसके लिए गिवन में ही सेकंड हमने लिखा था पॉइंट गिवन में ही कि एफ ऑफ जेड का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू एम दिया हुआ है, वो यहां काम आ जाएगा। तो पहले तो हम इन दोनों की वैल्यूज रख रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसका यूज ले लेंगे इनइक्वालिटी का, फिलहाल इन दोनों की वैल्यूज रखो, इसको एज इट इज रखो। तो क्या बन रहा है ये देखिए, ये बन रहा है एफ की पावर एन जेड जीरो मॉड इज लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन सी, ये हमारा एज इट इज है अभी फिलहाल, डिवाइड में इसकी वैल्यू रो है मॉड की वैल्यू डायरेक्ट, तो रो की होल पावर एन प्लस वन हो गया, और dz का जो मॉड है
डी जेड का मॉड आ रहा है रो डी थीटा, तो रो डी थीटा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दें आप, इस चीज को मैं कंटिन्यू करूं तो ये सब सेम है, अगर मैं इसको चेंज करूं तो इनइक्वालिटी लगेगी, और इनइक्वालिटी कौन सी लगेगी, लेस देन इक्वल टू वाली। तो इधर तो भूल जाओ आप, इसको मैं लिख रहा हूं लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन, ये आएगा एम, ये मैंने लेस देन इक्वल टू लगा दी, इसके लिए लगाइए, बाकी किसी को नहीं छेड़ रहे हैं, तो रो एन प्लस वन और रो डी थीटा, बाकी किसी को नहीं छेड़ रहे हैं। अब दोनों ही लेस देन इनइक्वालिटीज हैं, तो फर्स्ट से लास्ट को कनेक्ट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा एफ की पावर एन जेड जीरो मॉड लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन टू पाई, और ये थोड़ा ध्यान दें अगर आप, तो रो की पावर वन और रो की पावर एन प्लस वन कैंसिल आउट हो करके सिर्फ रो की पावर एन बचेगी नीचे, और ये डी थीटा, और ये सी क्लोज्ड करो। यहाँ पर m कोई फिक्स्ड नंबर है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने के कारण, और रो की पावर n भी फिक्स्ड नंबर आएगा क्योंकि रो रेडियस है, रेडियस कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिर्फ d थीटा का इंटीग्रेशन होगा। तो देखो ये क्या बन रहा है, ये मॉड लेस देन इक्वल टू आएगा, फैक्टोरियल n तो है ही, टू पाई है ही, m बाहर आ गया, रो की पावर n बाहर आ गया, इंटीग्रेशन सिर्फ होगा d थीटा का, और c क्लोज्ड लूप है, थीटा लिमिट के लिए क्लोज लूप में जीरो से टू पाई लिमिट लगेगी भाई थीटा के लिए। सिंपल इंटीग्रेशन है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। आप अगर इसको लिखो तो ये बनेगा, देखो फैक्टोरियल एम टू पाई एम अपॉन रो की पावर एन, डी थीटा का थीटा होता है, ये जीरो से टू पाई हो गया। इसी को कंटिन्यू करें अगर आगे तो ये बनेगा, देखो इधर कर देते हैं, नीचे जगह नहीं है, तो एफ एन जेड जीरो का मॉड लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन टू पाई, आंसर आने ही वाला है एम अपॉन रो की पावर एन, ये टू पाई माइनस जीरो तो अल्टीमेटली टू पाई हो गया, और ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद जो बचा हुआ हमारा आंसर ये, तो फाइनली क्या आंसर आया, फाइनली आंसर आया एफ की डिफरेंशिएशन एन बार जेड जीरो के रिस्पेक्ट में लेस देन इक्वल टू फैक्टोरियल एन इंटू एम अपॉन रो की पावर एन, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। तो ये था हमारा डेरिवेशन, अगर आप सिस्टमेटिकली चलोगे एक एक लाइन समझते हुए तो आपको काफ़ी आसान लगेगा। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।